जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस वारदा यूट्यूब चैनल पर। मैं अरुण शर्मा आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा जो बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली चीज है। इन चीजों को अगर आप घर में रखते हैं तो आपकी ये समझो एक प्रकार से किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, मैं ज्यादातर इंसान के कर्म पे जोर देता हूं और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य बदलने वाले विधाता है और जब इंसान कर्म कर अच्छा करता है तो भाग्य उसका 100% बदल जाता है। आज मैं ऐसी कुछ चीजें बता रहा हूं जो प्राचीन समय से यूज होती आई है और पहले समय से काफी लोग राजा महाराजा ऋषि मुनि सभी यूज करते थे और आज के समय में भी काफी लोग यूज करते हैं। अगर शुभ महीने में शुभ दिन में ये चीजें घर में रखी जाएं तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल देता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सहज प्राप्त हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राप्त नहीं हो पाती। सबसे पहले मैं बात करता हूं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप घर के अंदर तीन चीजें हमेशा रखिए। अगर ये तीन चीजें आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं और ये तीन चीजें आप रखेंगे तो अवश्य आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की कभी कमी नहीं आएगी और कितना भी बड़ा खर्च आ जाए, कितनी बड़ी तंगी आ जाए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी आपको जो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से वो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। नंबर एक, घर के अंदर श्री यंत्र की स्थापना। श्री यंत्र बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है और इस यंत्र की स्थापना से इंसान की किस्मत बदल जाती है। आप तिरुपति बालाजी में जाइए, कहीं बड़े में जाइए, मेन गेटों पर श्री यंत्र आपको जरूर बना हुआ मिलेगा। श्री यंत्र की बड़ी महिमा है। श्री यंत्र को घर में रखने से माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। दूसरा, घर के अंदर हमेशा कमलगट्टा और पीली कौड़ी हमेशा रखिए, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और तीसरा, घर के अंदर हत्ता जोड़ी। ये तीन चीजें ऐसी हैं अगर आप घर में रखते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। अगली जो चीज है वह है सफेद आक का पौधा। श्रावण मास में, भादो मास में, कार्तिक मास में कभी भी सफेद आक का पौधा घर के अंदर जरूर लगाइए। अगर आप सफेद आक का पौधा लगाते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसके ऊपर मैं एक आपको आंखों देखा दृष्टांत बता देता हूं। मैं यहां पर रहता हूं, वहीं पर पास में ही एक फैमिली रहती है, बड़ी तंगी थी उनके पास और तीन लड़के थे उनकी, किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो उनकी जो माता जी है वो मेरे पास आती थी और रिक्वेस्ट करती थी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में ये जो मुसीबत आई है ना, तो किसी बच्चे की नौकरी लगती है ना किसी की शादी होती है, तो ये निवारण कैसे हो इनका। तो मैंने उनसे जो है सफेद आग लगाने के लिए कहा, मैंने आप सिद्ध करवा करके सफेद आग का पौधा रखिए और श्री यंत्र स्थापित करिए और हत्ता जोड़ी या गिदड़ सिंगी में से एक आप रख लीजिए। दो साल के अंदर उनकी किस्मत बदल गई, बच्चों की शादी हो गई और उनके भी बच्चे हो गए और नौकरी भी अच्छी यहां चल रही है। तब से वह सफेद आग की देखभाल करते हैं और काफी बड़ा हो गया सफेद आग। इसके अंदर 12 साल के अंदर मूर्ति बन के तैयार हो जाती है। तीसरा, आप नियम बना ले, प्रतिदिन आपको तुलसी वृक्ष की सेवा करनी है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसकी बड़ी महिमा होती है। तुलसी का वृक्ष जिस घर में होता है वहां पर सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो शाम के समय तुलसी के नीचे आप दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं कि तुलसी के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से
इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा घर में जरूर रखिए, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला, आप वास्तु दोष का विशेष ध्यान रखें। वास्तु दोष के ऊपर मैं वीडियो डालता हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने 3 पार्ट तक डाली है, आने वाले समय में और भी डालूंगा। वास्तु दोष का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर के अंदर वास्तु दोष का आप ध्यान रखेंगे तो कभी कोई मुसीबत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। अगला, आप नियम बना लें। ये मैं आज पूरी डिटेल दे रहा हूं आपको, इन नियमों को आप बना के रखें। आप नियम बना लें कि आपको अपने हाथ से थोड़ा सा अन्न जरूर निकालना है। और वैसे शास्त्रों के हिसाब से नियम बताया कि इंसान जितना कमाता है उसका दशांश जरूर दान करना चाहिए। अगर दशांश ना कर सके तो एक अंश करें, और जितनी बस की हो उनकी उतना जो है दान जरूर करना चाहिए। तो आप नियम बना लें कि आपको थोड़ा सा अन्न दान जरूर करना है, वो आप किसी भी प्रकार से करें, चाहे हफ्ते में एक दिन करें, चाहे प्रतिदिन करें, कैसे भी करके किसी भी गरीब को या कहीं पर भी आप अपने हाथ से अन्नदान जरूर करिए। इसका बड़ा महत्व होता है और इसके अन्नदान से इंसान की किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि जिसको अन्नदान दिया है और उसकी फैमिली अगर उसे खाती है, वो आशीर्वाद देती है, उस आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए अन्नदान जरूर करें। अगला, आप नियम बना लें कि प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई भी परेशानी है, तो शिवलिंग पर जल अर्पण जरूर कीजिए। यह बहुत ही अच्छा है और नियम बना लें आप, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आने वाले समय में आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगला, आप पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर डालें। अगर पक्षियों के लिए आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जिनके शरीर में परेशानी रहती है, घर में बरकत नहीं है, नौकरी वगैरह की परेशानी है, तो वो सतनज या पक्षियों को जरूर डालें। और लास्ट, भगवान सूर्य देव को जल अर्पण ये जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो ये कार्य आप करते रहें। आज मैं इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दूंगा। आने वाले समय में और सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। एक वीडियो में सारी बात नहीं बता सकता, और भी कुछ बातें हैं जो ग्रस्त जीवन में याद रखने की, जैसे किस प्रकार से आप भगवान लड्डू गोपाल जी को घर में लाएं, उनकी पूजा कैसे करनी है, सालग्राम की पूजा कैसे करनी है, ये सारा मैं आपको जो है आने वाले समय में जानकारी देता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।